मेरा सफर तो कठिन था ही, पर औरों का सफर उससे भी कठिन था। बेटा अंधेरा तो हर दिन आता है, अंधेरा तो हर दिन आता है, तुम अंदर का दिया जलाओ बेटा। लेकिन आई तो ऐसी है, आई ने अपना जो बच्चा था उसको साइड में रखकर, उनके माँ बाप नहीं होते उन बच्चों को पाले। गर्भवती थी तो पति ने पेट में लात मारकर घर से निकाल दिया था। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्यूचर तक, मैं आपका दोस्त रमेश कुमार। अगर आप भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। दोस्तों बता दें कि सिंदूकता इस सप्तकाल के बारे में आज हम कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों सिंधुताई सप्तकाल के आखिरी कुछ घंटे कैसे बीते थे, सिंधुताई जो कि अपनी आखिरी अपनी अंतिम सांस के दौरान किन किन को याद कर रही थी, ये भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों पढ़ने का मन था तो माँ ने मना कर दिया, 10 साल में दोगुनी उम्र के लड़के से शादी कर दी थी, पति भी ऐसा मिला था कि एक अफवाह पर यकीन कर 9 महीने की गर्भवती होने के दौरान पेट पर लात मारकर घर से निकाल दिया। ये कहानी है सिंधुताई सप्तकाल की, जो अब इस दुनिया में नहीं रही है, गायों के बीच बेटी को जन्म दिया था। जी हाँ सिंधुताई के दुख अभी यहाँ खत्म नहीं होने थे, दर दर भटकती सिंधुताई ने गायों के बीच बेटी को जन्म दिया, खुद से नाल भी काटी। बेघर सिंधुताई की मजबूरी में अपने दिल के टुकड़े को स्टेशन पर ही छोड़ना पड़ा। इस पीड़ा ने उन्हें अवसाद से घेर लिया, वह आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगी थी। खैर नियति को कुछ और ही मंजूर था, जी हाँ शमशान में भी रोटियां खाई थी सिंधुताई, कभी स्टेशन पर भीख मांगती तो कभी शमशान घाट में चिता की रोटी खाती। दिन बदल रहे थे पर सिंधुताई की जिंदगी नहीं। तब एक दिन रेलवे स्टेशन पर सिंधुताई को एक अनाथ बच्चा मिलता है, माँ के दिल में फिर से ममता की चिंगारी उठती है। धीरे धीरे ये चिंगारी शोले में भड़कती है और शुरू होता है अनाथों का नाथ बनाने का सफर। जी हाँ स्टेशन पर भीख भी मांगती थी सिंधुताई, उन्होंने शुरुआत में स्टेशन पर भीख मांगकर भी बेसहारा बच्चों को पेट भरा था, अब बच्चे उन्हें माई कहकर पुकारने लगे थे। उन्होंने पुणे में सन्मति बाल निकेतन संस्था भी शुरू की थी, उन्होंने 1500 से ज्यादा बच्चों को चुकी पाला था और सहारा दिया था। जी हाँ भले ही आज सिंधुताई नहीं रही, लेकिन महाराष्ट्र में उनकी 6 बड़ी समाज सेवाएं चल रही है। जी हाँ इनमें बेसहारा बच्चों के साथ साथ विधवा महिलाओं को भी आश्रय मिलता है। दिलचस्प बात यह है कि कभी परिवार से निकाली गई सिंधुताई के परिवार में आज 382 दामाद और 49 बहुए हैं। जी हाँ सिंधुताई सपकाल का जन्म 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले में हुआ था। बचपन में उन्हें लोग चिंदी कहकर पुकारते थे, उन्हें गैर जरूरी माना जाता था। उनकी आत्मकथा में लिखा है कि शादी के बाद साल 1972 में सिंधुताई ने नवरगांव वन क्षेत्र में वन विभाग और जमींदारों की ओर से किए जा रहे महिलाओं के शोषण का विरोध भी किया था। सिंधुताई पर फिल्में भी बनी है। जी हाँ सिंधुताई को 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें 750 से ज्यादा पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने हमेशा पुरस्कार राशि अनाथालयों पर भी खर्च की है। यही नहीं 2010 में उनकी बायोपिक भी बनी, मराठी भाषा में बनी बायोपिक का नाम था मी सिंधुताई सपकाल। जी हाँ ये बायोपिक 54वीं लंदन फिल्म फेस्टिवल के वर्ल्ड प्रीमियर के लिए भी चुनी गई थी। जी हाँ सिंधुताई सपकाल का मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने से पुणे के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था। उनकी मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने भी शोक व्यक्त किया है। मोदी जी ने कहा, ट्विटर कह रहा है, डॉक्टर सिंधुताई सपकाल को समाज के लिए उनकी उत्कृष्ट सेवा के वास्ते सदैव याद किया जाएगा। उनके प्रयासों की वजह से ही कई बच्चे जो कि बेहतर जीवन जी सके हैं। जी हाँ बता दें कि सिंधुताई सपकाल जो कि अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा ही रहेगी। दोस्तों सिंधुताई सपकाल जो कि जाने के बाद से ही उनके जितने भी चाहने वाले थे उनको गहरा सदमा लगा है।
तो सिंधु ताई सपकाल ने अपने आखिरी कुछ घंटों में, अपने आखिरी कुछ पलों में क्या कुछ कहा था, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार सिंधु ताई सपकाल के लिए कॉमेंट जरूर करें, कॉमेंट में आप उन्हें श्रद्धांजलि जरूर दें। दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। बता दें कि सिंधु का इस जो सिंधु ताई सपकाल है, उन्होंने अपने आखिरी कुछ लम्हों में भी अपने बच्चों को याद किया। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ जानकारी सामने आ रही है कि जब सिंधु ताई अपने आखिरी मंजर पर थी तो सिंधु ताई ने कहा कि मेरे बच्चे कैसे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी से पता लगाया जा सकता है कि सिंधु ताई सपकाल का ममता और ममता कितनी ज़्यादा बड़ी है। जी हाँ, आखिरी सांसों तक वह सिर्फ अपना परिवार और अपने बच्चे, जी हाँ दोस्तों, उनका परिवार उनके वो अनाथ बच्चे ही थे। ऐसे में दोस्तों, वो अनाथ बच्चे आज कैसे होंगे, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी, उनके परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी। जी हाँ, वह इतने अनाथ बच्चे जो कि आज माँ का ममता खो चुके हैं। सिंधु ताई के जाने के बाद से ही उन बच्चों का क्या हाल होगा, ये भी हम आपको वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, सिंधु ताई सपकाल जो कि अचानक से ही उनका देहांत हुआ, उससे जो कि देश भर में शोक व्याप्त हो गया। सिंधु ताई सपकाल जो कि अपने अंतिम पल पर है और उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। बता दें कि सिंधु ताई जो सपकाल है, उनका आखिर कब जो उनका संस्कार होगा और उनका संस्कार होने के बाद क्या कुछ किया जाएगा, ये भी हम आपको इसी वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सिंधु ताई सपकाल जिनका निधन से पूरा बॉलीवुड भी शोक में है। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि बॉलीवुड के बिग बी यानी कि कौन बनेगा करोड़पति के मैन ऑफ द लीड, जी हाँ, अमिताभ बच्चन सर ने भी सिंधु ताई सपकाल को लेकर बेगहरी संवेदनाएं व्यक्त की है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि जब एक बार अमिताभ बच्चन सर के केबीसी 11 शो के अंदर सिंधु ताई सपकाल पहुंची थी तो काफ़ी ज़्यादा अमिताभ भी भावुक हुए थे। जी हाँ, अमिताभ बच्चन सर ने उनके पैर भी छुए थे। जी हाँ, इतना ही नहीं, उन्होंने सिंधु ताई सपकाल के पैर छूकर और उन्हें हॉट सीट पर भी बिल्कुल सम्मानपूर्वक बिठाया था। जी हाँ दोस्तों, और इस बीच जो कि सिंधु ताई सपकाल ने अपने कई अहम राज का भी पर्दाफाश किया था। उन्होंने बताया था कि कैसे जब उनके पति ने उन्हें बाहर निकाल दिया तो वो अपनी जिंदगी जो कि जी थी। और इतना ही नहीं दोस्तों, जब सिंधु ताई सपकाल ये भी बताती है कि जब वह उनके पति 80 वर्ष की उम्र में उन्हें दोबारा से मिलने या फिर उन्हें लेने आए तो सिंधु ताई सपकाल ने एक ही बात कही कि अगर मुझे अब पाना है तो बच्चा बनकर ही पाना। जी हाँ दोस्तों, उन्हें जो कि उन्होंने जो अपने पति को है वो बच्चा कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि सिंधु ताई सपकाल का कहना था कि उनके लिए अब सिर्फ ममता है, सिर्फ माँ का प्यार ही मिल सकता है कि अगर कोई लेना चाहे तो, क्योंकि सिंधु ताई सपकाल अब ढेरों अनेक बच्चों की माँ बन चुकी थी। जी हाँ, उनके इतने सारे बच्चे थे कि वह उन सबको ममता से देखती थी। इसीलिए उन्होंने अपने पति से भी कहा कि अगर आप अब हमारे जीवन में आ रहे हो तो पति बनकर नहीं, बच्चे बनकर ही आना। दोस्तों, सिंधु ताई सपकाल का ये जीवन कैसा लगा आपको, मुझे कमेंटों में जरूर बताएं। और सिंधु ताई सपकाल के अगर आप भी चाहने वालों में से एक हैं तो एक बार रिप जरूर लेके उन्हें श्रद्धांजलि जरूर दें। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल फ्यूचर तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।